इंदौर क्राइम ब्रांच और संयोगितागंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि थाना संयोगितागंज में एबी रोड पारसी मोहल्ले में अवैध शराब रखी हुई है, जिसे चार व्यक्ति शहर में बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर मकान के नीचे वाले हॉल में दबिश दिया तो गोदाम का गेट खुला मिला, जहां चार व्यक्ति शराब के साथ मिले। पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों से पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम पप्पी वर्मा, कृष्णा सोनकर, जिस्टन सोलंकी व शाहरुख बताया। वहीं पकड़ाए गए आरोपियों के कब्जे से कुल पुलिस ने 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़ाए गए आरोपी पप्पी उर्फ योगेंद्र वर्मा के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा, जान से मारने की धमकी, हत्या का प्रयास, जुआ सट्टा संचालित करने जैसे अपराध पहले से ही कई थानाओं में मामले दर्ज हैं। पुलिस पकड़ाए गए आरोपियों से अब आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर देगी। चिड़ियाघर के पास चार लोगों को थाना संयुक्तागंज और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 7 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ में गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये जो चार लोग इसमें पकड़ाए हैं, इनके नाम हैं पप्पी उर्फ योगेंद्र निवासी पारसी मोहल्ला, कृष्णा सोनकर निवासी जून इंदौर, शाहरुख मोहम्मद शफीक पारसी मोहल्ला और जस्टिन पिता कैलाश सोलंकी शुक्रानगर के। ये चारों खिलाफ आपका अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कहां से शराब लेके आए थे, और इस संबंध में आगे की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी।